पेट विकार का मानसिक कनेक्शन है इसका सबूत। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग पेट विकार के घूमते रहते हैं इधर से उधर, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, यूएसजी एब्डोमेन मतलब सोनोग्राफी एब्डोमेन, अलग अलग स्कैन्स पेट के, एंडोस्कोपीज कोलोनोस्कोपीज सब तरह करके, सब तरह के इलाज करके, सब इन्वेस्टिगेशंस करके बाद में फिर हमारे पास में आते, बोलते कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोलते चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तो फिर ये कैसा इलाज करो। मैं बोलता हूँ पेट का विकार है तभी उसका मानसिक कनेक्शन, इसका पूरा सबूत देखो। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास में आते रहते हैं और उनको प्रॉब्लम ये रहता है कि जब जब उनको टेंशन आता है, और आपको भी होगा शायद कि जब टेंशन आता है, जब बहुत ही स्ट्रेस आता है, बहुत अपसेट हो जाते हैं, एकदम धक्का बैठ जाता है, तो उनको लैट्रिन को लगती और उनको लैट्रिन जाना ही पड़ता है। उनको जिस दिन स्ट्रेस आ गया, झंझट हो गई, कोई केस हो गई, कोई नुकसान हो गया, एकदम ऐसा धक्का बैठने लायक कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो उनको तुरंत लैट्रिन को लग जाती है। वो लैट्रिन जाना ही पड़ता है, इतना कि उनको पहले लैट्रिन जाके फिर बाद में सोचेंगे कि अभी क्या करना। मेरे पास में काफ़ी ऐसे पेशेंट आते, बोलते हैं हमको बाहर जाना है, बाहर गांव जाना है, किसको बड़े व्यक्ति को मिलने जाना है, तो पहले हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिन को जाना पड़ता है, लैट्रिन को जाना पड़ता है, और कभी बहुत ज़्यादा अपसेट रहा तो दिन भर में 5-6 बार टॉयलेट को जाना पड़ता है। तो ये इसका सबूत है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है कि अपसेट है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई धक्का बैठ गया, कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, तुरंत लैट्रिन को लग जाना। काफ़ी लोगों को एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस आता है तो उनको लैट्रिन लग जाती है, उनको यूरिनल को बार बार जाना पड़ता है, कोई इंटरव्यू को जाना है तो उसके के पहले उनको बहुत बार लैट्रिन लगेंगी या टॉयलेट जाना पड़ेगा, यूरिन जाना पड़ेगा। तो ये उसका सबूत है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, स्ट्रेस आ गया कि यहाँ मोशंस ज़्यादा चालू हो जाता है। तो यहाँ मतलब ये जो लोग हमारे पास में आते हैं उनको बोलते कि भाई रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो। जब रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, हिप्नोथेरेपी विजुअलाइजेशन करेंगे, और बार 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 जब आप विजुअलाइज करते हो और वो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस को आप अपने कल्पना शक्ति में फेस करते हो, ऐसा बार बार करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको फायदा हो जाएगा, स्ट्रेस आने के बाद में भी आपको लैट्रिन लगेंगे नहीं। क्योंकि हमारे ब्रेन को ये नहीं समझता कि आप रूम में बैठे बैठे स्ट्रेस जानबूझ के ला रहे हो, कि आप एक्चुअली स्ट्रेस का सामना कर रहे हो, वो समझता नहीं। तो उसको हमको ये प्रैक्टिस देना है ब्रेन को कि भाई आप स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और रिलैक्स है, स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और रिलैक्स है, लैट्रिन लगी नहीं है। तो इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा हो जाएगा। हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में 2 प्रकार के हॉस्पिटल्स है, जहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वायलेंट है, मारपीट करने वाले, गांजा ड्रग एडिक्ट, फिर मेंटल पागल पेशेंट, मंदबुद्धि के लोग, शराबी लोग, इनको भर्ती करते हैं, इशारों के साथ में इशारों के अलावा भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते रहते हैं। और वैसे बाकी ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, जाने की जरूरत नहीं है, और वीडियो कॉलिंग करके उनका लोगों का इलाज हम करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।